नमस्कार, नागपुर हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। कापसी बिड़गांव रोड पर स्थित 200 मिल में सोमवार तड़के आग लग गई। देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। घटना की जानकारी अग्निशमन विभाग को दी गई। खबर मिलते ही नागपुर महानगर पालिका की दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई, लेकिन आग पर काबू पाने में 2 घंटे लग गए। दोनों 100 मील जलकर खाक हो गई। कापसी बिड़गांव रोड के नागेश्वर नगर परिसर में किशोर पटेल की खेतानी इंटरप्राइजेज और भरत पटेल की हीराधन टिम्बर नामक 100 मील है। खेतानी इंटरप्राइजेज की आरा मशीन में लकड़े के बड़े बड़े राफ्टर बनाने का काम किया जाता है। वही भरत पटेल के हीराधन टिम्बर में बिल्डिंग बनाने का कारखाना है। दोनों ही प्रतिष्ठानों में भारी मात्रा में लकड़ी राख हुई थी। सोमवार को तड़के 4:15 बजे के दौरान खेतानी इंटरप्राइजेज में आग लग गई। धुआं उठने पर लोगों को आग का पता चला, लेकिन तब तक आग काफी फैल चुकी थी। 4:20 बजे के दौरान दमकल विभाग को आरा मशीन में आग लगने की जानकारी दी गई। गर्मी के कारण लकड़ी सूखी हुई थी, हवा के कारण भूसे के साथ आग भी तेजी से फैलती गई और हीराधन टिम्बर में भी आग लग गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आपके साथ हुई दुर्घटना जीवन में अंधकार पैदा करने वाली है, लेकिन सकारात्मक तरीके से इससे बाहर निकलना जरूरी है। सरकार आपके साथ है, निराश नहीं होते हुए आगे कदम बढ़ाए, दुख भुलाकर ऊंची उड़ान भरे। वे बचत भवन में जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में महिला व बाल कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे, जिसमें जिले के 79 ऐसे बच्चों को 15 लाख रुपयों के पैकेज का वितरण किया गया, जो कोरोना के चलते अनाथ हो गए हैं। स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव निमित्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिले के अनाथ बच्चों के साथ वीसी के माध्यम से संवाद भी साधा और उन्हें कठोर परिश्रम करने का संदेश दिया। गडकरी ने भी बच्चों से संवाद साधा और उन्हें पैकेज का वितरण किया। इस दौरान विधायक विकास कुंभारे, टिकचंद सावरकर, जिलाधिकारी आर विमला, महिला व बाल विकास उपायुक्त रवि पाटिल उपस्थित थे। गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के जीवन से निराशा दूर कर सफल बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योजना लाई है। उन्होंने बच्चों से अपील की कि वे बीती दुर्घटना को भुलाकर सकारात्मक रूप से आगे बढ़े और सफल हो। शहर के अलग अलग हिस्सों से लगातार बढ़ती शिकायतों को देखते हुए मनपा आयुक्त के निर्देशों के अनुसार जोनल स्तर पर नागरिक समस्या निवारण केंद्र कार्यान्वित किए गए। हालांकि इन केंद्रों के कार्यान्वयन को केवल 1 सप्ताह का समय ही हुआ है, लेकिन इतने समय में सभी केंद्रों पर शिकायतों के लिए भीड़ जुट रही है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक सभी 10 जोन में कुल 276 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 204 शिकायतों का निपटारा किए जाने का दावा मनपा की ओर से किया जा रहा है। बताया जाता है कि सर्वाधिक शिकायतें हनुमाननगर जोन में प्राप्त हो रही है। उल्लेखनीय है कि हनुमाननगर जोन में अब तक 95 शिकायतें प्राप्त हुई, जिसमें से 90 शिकायतों का निपटारा किया गया है। जानकारी के अनुसार प्रत्येक जोन में सीवरेज, पेयजल, स्वच्छता, पथदीप आदि को लेकर लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है। बताया जाता है कि पहले भी इन शिकायतों को लेकर जोनल कार्यालय में कई अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया जाता था, लेकिन शिकायतों का निवारण नहीं होने पर मजबूरन मनपा मुख्यालय पहुँचना पड़ता था। समस्या बढ़ते देख जोनल कार्यालय में सेंटर शुरू किए गए, जहां अब शिकायतों का निपटारा हो रहा है। एक बार फिर जिले में कोरोना के संक्रमितों के मिलने का सिलसिला शुरू हो रहा है। बीते कुछ दिनों से लगभग रोज ही 4 से 5 नए संक्रमित मिल रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मौसम में बदलाव के साथ ही संक्रमितों की संख्या भी बढ़ सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। रविवार को फिर जिले में 4 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनमें से 1 सिटी का, 1 ग्रामीण भाग का और 2 जिले के बाहर के हैं। इन्हें मिलाकर अब जिले में कुल एक्टिव केस 20 हो गए हैं। कुछ दिनों पहले एक्टिव केस की संख्या भी 4 पर आ गई थी, लेकिन यह बढ़कर 20 पर पहुंच गई है। रविवार को 430 लोगों के स्वैब जांच की रिपोर्ट आई, जिसमें 4 पॉजिटिव पाए गए। राज्य के CM भी कह चुके हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब सतर्कता बरतनी जरूरी है। डॉक्टरों ने भी भीड़ वाली जगहों पर नागरिकों से मास्क पहनने की अपील की है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 30 मई को GST एवं कस्टम विभाग में बड़े पैमाने पर उप आयुक्त, संयुक्त आयुक्त, सहायक आयुक्त, अतिरिक्त आयुक्त के तबादले आदेश जारी किए हैं। विभाग द्वारा जारी लिस्ट में कुल 502 IRS अधिकारियों को इधर से उधर किया गया है। नागपुर जोन में भी जहां 11 को नागपुर जोन से बाहर भेजा गया है, वहीं 15 अधिकारियों को नागपुर जोन में ट्रांसफर किया गया है। जयश्री गवई को DGGI नागपुर, CP सोलेमन को हैदराबाद, स्वच्छंद चव्हाण को नीमच, रजनीकांत चौधरी को वडोदरा, वी रेवती को हैदराबाद, संतु चौधरी को वडोदरा भेजा गया है। PY धार्मिक, रवि राजपुला, जगदीश जुद्दी, गुरुस्वामी मेथुकू को उप और सहायक आयुक्त के रूप में नागपुर भेजा गया है। खरीफ की फसल का सीजन पास आ गया है।
ऐसे में किसान भी बीज मार्केट का रुख करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐन बुआई से पहले महंगे बीज ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी है। सोयाबीन, कपास से लेकर मिर्च के बीज में 15 से 20 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष कपास का 475 ग्राम का पैकेट 760 रुपये का मिल रहा था, जो कि अब इस वर्ष 60 रुपये महंगा होकर 810 रुपये प्रति पैकेट पर पहुंच गया है। इसी तरह सोयाबीन बीज का प्रति 30 किलो वाला बैग पिछले वर्ष 3,200 रुपये चल रहा था, जो कि अब बढ़कर 3,200 से 4,000 रुपये पर पहुँच गया है। मिर्ची का बीज 400 से 600 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है। पहले ही महंगे डीजल के वजह से खेती की लागत कई गुना बढ़ गई है, वही अब महंगे बीज भी किसानों की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जिस तरह केंद्र सरकार ने टैक्स कम कर डीजल की कीमतों को कम किया है, उसी तरह राज्य सरकार को भी अभी के डीजल के आंकड़े को देखते हुए राहत देनी चाहिए, इससे बड़ी खेती की लागत में गिरावट आएगी। स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत नागपुर महानगरपालिका के उपद्रव खोजी दल ने सोमवार को 5 प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई की और 30,000 रुपये का जुर्माना वसूला। मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी के मार्गदर्शन में लक्ष्मीनगर और गांधीबाग जोन के उपद्रव खोजी दल ने प्रतिबंधित प्लास्टिक बैग संदर्भ में कार्रवाई की। लक्ष्मीनगर जोन के अंतर्गत जैताला स्थित गुरुदेव ट्रेडिंग दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला। गांधीबाग जोन के अंतर्गत सिरसपेट गांधीबाग में पवन प्लास्टिक और इतवारी मार्केट में प्रदीप पत्तल शॉप दुकान के खिलाफ प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह नेहरू नगर जोन के अंतर्गत वाठोड़ा में नारायणा ई टेक्नो स्कूल के खिलाफ इलेक्ट्रिक पोल पर बोर्ड और होर्डिंग लगाने पर कार्रवाई की गई और 5,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। इसी तरह आशीनगर जोन के अंतर्गत नवा नकाशा लश्करी बाग में राजकुमार डेवलपर्स के खिलाफ सड़क के निकट निर्माण कार्य का मलबा डालने पर कार्रवाई की गई और 10,000 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया। यह कार्रवाई एनडीएस प्रमुख वीरसेन तांबे के नेतृत्व में की गई। 30 दिसंबर 1999 को जारी किए सरकारी अनुसार नागरिकों की शिकायतों के समाधान के लिए हर महीने के पहले सोमवार को लोकशाही दिन के अवसर पर किया जाता है। इसी निर्देश के तहत 6 जून 2022 को सुबह 10 बजे डॉक्टर पंजाबराव देशमुख स्मृति स्थायी समिति सभागार में लोकशाही दिन का आयोजन किया गया है। लोकशाही दिन के अवसर पर संभागायुक्त नागपुर मंडल को प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी इस समय निस्तारण किया जाएगा। इसलिए मनपा के सभी प्रकोष्ठ प्रमुखों और सहायक आयुक्तों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस आशय के विचार मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी ने व्यक्त किए। नागपुर महानगर पालिका ने भी संबंधित नागरिकों से अपनी शिकायतों के साथ निर्धारित समय पर उपस्थित होने की अपील की है। वर्ष 2022 में होने वाले नागपुर महानगर पालिका के आम चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षण आज रेशिमबाग के कविवर्य सुरेश भट्ट हॉल में जारी किया जाएगा। महिला आरक्षण वापस लिए जाने के बाद बुधवार 1 जून को आरक्षण का मसौदा जारी किया जाएगा। आरक्षण को लेकर यदि किसी का कोई आपत्ति या सुझाव है तो उसे चुनाव कार्यालय या संबंधित वार्ड कार्यालय मुख्यालय में 1 जून से 6 जून तक दोपहर 3 बजे तक मनपा आयुक्त को प्रस्तुत करना होगा। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है, इसलिए निगम के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोविशील्ड टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। उद्योजक और व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश के उत्थान में करोड़ों छोटे व्यापारियों का भी बड़ा योगदान है। छोटे व्यापारी देश की लाइफलाइन है। बढ़ती महंगाई, नोटबंदी, जीएसटी के बाद से व्यापार लगातार चरमराता जा रहा है और कोविड महामारी ने व्यापार को जबरदस्त ढंग से प्रभावित किया है। आज व्यापारियों और उद्योगों को प्रोत्साहन की जरूरत है। ये विचार महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नाना पटोले ने महल स्थित रजवाड़ा पैलेस में आयोजित प्रदेश कांग्रेस उद्योग व्यापारी सेल के कार्यक्रम में कही। पटोले ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने सिलेंडर पेट्रोल के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर आम जनता की कमर तोड़ दी है। मेरा मानना है कि अब व्यापारियों की राजनीति में सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। विभिन्न चुनाव में व्यापारियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, जिसे व्यापार संबंधी कानून फायदे बनाते समय उनकी प्रत्यक्ष भागीदारी होकर इसमें व्यापारियों के हितों को संबंधी परिपूर्ण विचार किया जा सके। कार्यक्रम के प्रमुखता से शहर कांग्रेस अध्यक्ष विधायक विकास ठाकरे, विधायक एडवोकेट अभिजीत वंजारी, पूर्व मंत्री अनिस अहमद, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव व उद्योग व व्यापारी सेल के अध्यक्ष अतुल कोटेचा, विधायक वजाहत मिर्जा, उत्तर भारतीय सेल के अध्यक्ष उमाकांत अग्निहोत्री, समन्वयक उमेश डांगे व संजय पुगलिया उपस्थित थे।
रविश कुमार सिंह ने दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद का कार्यभार ग्रहण किया। इसके पूर्व रविश कुमार सिंह दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक के पद पर पदस्थ थे। रविश कुमार सिंह भारतीय रेलवे ट्रैफिक सेवा के 2008 बैच के अधिकारी हैं। अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान रविश कुमार सिंह रायपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक, समन्वय बिलासपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक, बिलासपुर मुख्यालय में उप महाप्रबंधक एवं मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के पद पर भी कार्य कर चुके हैं। वाणिज्य परिचालन तथा सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित कार्यों का अथाह अनुभव है। विकास कुमार कश्यप का स्थानांतरण बिलासपुर मंडल में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक के पद पर ही हुआ है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन नागपुर ने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विश्व पर्यावरण सप्ताह के मद्देनजर वॉकथॉन का आयोजन किया। इस कार्यक्रम को एके सूर्यवंशी DRMOSEC रेलवे नागपुर ने रेल क्लब में झंडी दिखाकर रवाना किया। वॉकथॉन का मार्ग रेल क्लब माउंट रोड से DRM कार्यालय दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर तक था। कार्यक्रम में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के कई अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। वाई टेम्परे ने इस कार्यक्रम में जीत हासिल की। विजेता को महाप्रबंधक दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर द्वारा सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान रेल कर्मियों से अपील की गई है कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के संरक्षण हेतु हर प्रयास करें तथा पर्यावरण को दूषित होने से बचाए ताकि आने वाला कल एक बेहतर कल हो। यांत्रिक तथा औद्योगिक युग में पर्यावरण को दूषित करने से बचाए एवं इसका सामान्य जीवन में महत्व को सभी लोग समझ रहे हैं। साथ ही साथ जल वायु आदि पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने के लिए पेड़ पौधे लगाने व उनके संरक्षण पर विशेष ध्यान दें। जीवी जगताप ADRM CMSBB सामथा ACMS श्रीमती बारला सीनियर स्पोर्ट्स ऑफिसर और सीनियर DFM आदित्य सोमकुवर एवं नागपुर मंडल के कई खिलाड़ी उपस्थित थे। पूरे मध्य भारत में नगर के जाने माने अधिवक्ता DP लालवानी को नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा सर्वोच्च डीलिट की पदवी प्रदान करने पर सिंधी समाज में हर्ष की लहर है। उन्हें ये पदवी मानव विज्ञान हेतु राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में उच्च शिक्षण मंत्री उदय सामंत व सुभाष चौधरी ने प्रदान की। वे सिंधी समाज के एकमात्र व्यक्ति है जिन्हें ये पदवी प्राप्त हुई है। इसी उपलक्ष्य में नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत द्वारा अध्यक्ष सूरज जिज्ञासी के नेतृत्व में सभी कार्यकारिणी सदस्यों ने उनके निवास स्थान पर जाकर उनका शॉल व हार पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सूरज जिज्ञासी ने कहा कि लालवानी शहर के अनेक सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्थानों से जुड़े हुए हैं। वे नगर के जाने माने वरिष्ठ अधिवक्ता है। उनका सारा जीवन समाज सेवा में गुजरा है। वे नाग विदर्भ सेंट्रल सिंधी पंचायत के संरक्षक भी है। ऐसे व्यक्ति को डीलिट की पदवी मिलना सिंधी समाज के लिए गर्व की बात है। लालवानी ने कहा, ईश्वर मुझे शक्ति दे, मैं हमेशा समाज सेवा में तत्पर रहूंगा। आपके सत्कार के लिए शुक्रिया। प्रस्तावना उपाध्यक्ष हर भगवान नागपाल ने रखी तथा मान्यवरों का आभार महासचिव मोहन चोईथानी ने माना। वर्धमान नगर चौक अमर स्वरूप फाउंडेशन के तत्वावधान में 21 वर्षों से स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से समाजसेवी सुधा बाटविया अकेली ही चिलचिलाती धूप में राहगीरों जरूरतमंदों को छाछ पना शरबत फल बांटकर लोगों को और स्वयं को शांति पहुंचा रही है। इसी के साथ ही गर्मी में उपयोग होने वाली चप्पल रुमाल का भी वितरण कर रही है। लकड़गंज पुलिस थाने में महिला कमेटी में बतौर सदस्य के रूप में सेवा भी दे रही है। हजारों लोगों को रोज लाभान्वित कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने वार्ड 25 की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल सामग्री वितरित की और इस सामाजिक पहल के माध्यम से गडकरी का जन्मदिन मनाया। पूर्व विधायक गिरीश व्यास ने कहा कि ये एक बड़ी पहल है। वार्ड समन्वयक श्याम चांदेकर ने दीप प्रज्वलन किया। संचालन सह समन्वयक संजय चिंचोले और धन्यवाद प्रस्ताव दशरथ मस्के ने दिया। इस अवसर पर दुर्गेश घटोले, कुशल चांदेकर, राहुल सहुरकर, मुकेश क्षीरसागर, राघव खोट, अथर्व त्रिवेदी, योगेश कठाले, ललित जिपकाटे, अक्षय काले, भूषण देशपांडे, विवेक चांदेकर, नीलेश लारोकर, अतुल पोहाने, निकिता पराय, अनिता काशीकर, सरोज पेशकर, रजनी जैन आदि मौजूद थे। हाल ही में बारदाना मर्चेंट्स एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का गठन हुआ। इस कार्यकारिणी समिति में अध्यक्ष गुलशन राहिजा, महासचिव विजेंद्र धनजानी, कोषाध्यक्ष दिनेश न्यायखोर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मधुसूदन सारडा, उपाध्यक्ष कमल मोटवानी, सचिव निखिल हरडे, निवर्तमान अध्यक्ष निखिल छाबरिया, कार्यकारिणी सदस्य अमित चुग, श्याम परमार, लखन नागपाल, संदीप मनसच, सुनील रणदीवे, विक्की जाधव, मोती सिंह गौर, मुकेश बैस, सागर गौर, सलाहकार समिति जवाहरलाल चुग, राजू छाबरिया, विपिन पनपालिया, चंदू वाघवानी, अशोक मुनियार, करण सिंह राठौर का समावेश है। महामेट्रो ने ट्रायल रन के पूर्व ही नॉन फेयर रेवेन्यू बॉक्स की संकल्पना लागू की है। नॉन फेयर रेवेन्यू बॉक्स के विभिन्न घटकों में ट्रेन रैपिंग का भी समावेश है। ये एक अनूठी संकल्पना है जिसमें कोई कंपनी विभिन्न विवरण प्रदर्शित करने के लिए पूरी मेट्रो ट्रेन का उपयोग कर सकता है।
अभी तक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, भारतीय जीवन बीमा निगम जैसे नामांकित संस्थानों ने इसका लाभ लिया है और उनके उत्पादन एवं सेवाओं के संबंधित जानकारी मेट्रो ट्रेन के बाहरी परिसर में प्रदर्शित किए हैं। एक्का और ऑरेंज लाइन पर दौड़ने वाली दो मेट्रो ट्रेन पर LIC का रैपिंग किया गया है तथा महामेट्रो और LIC के प्रतिनिधियों के बीच सामंजस्य करार MOU साइन किया गया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दो मेट्रो ट्रेन पर रैपिंग किया गया है। इसी तरह अभी तक 4 मेट्रो ट्रेन पर विज्ञापन द्वारा रैपिंग किया गया है। ट्रेन रैपिंग पर विज्ञापन करने का कालावधि 3 साल के लिए है और शीघ्र ही महामेट्रो द्वारा मेट्रो ट्रेन पर विज्ञापन रैपिंग के लिए निविदाएं मंगाई जाएगी, जिससे स्थानीय व्यापारी को इसका लाभ होगा। इस अवसर का लाभ लेने का आह्वान महामेट्रो प्रशासन ने किया है। प्रगति राजस्थानी महिला मंडल के सुपर 60 द्वारा प्रगति भवन में आयोजित समर पार्टी ने सभी सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। संयोजक मंडल विजया सारडा, मधु बजाज, सुनीता मनियार, मधु अग्रवाल, दीपा हुरकट ने संचालन किया। विभिन्न गेम्स, संगीत कुर्सी, समर हौंजी में अलका गर्ग, सुषमा अग्रवाल, शोभा खेमानी, मीनाक्षी मुंदड़ा, प्रेमलता खेमानी, कुसुम खंडेलवाल आदि विजेता रहे। मधु बजाज ने शरीर के 7 चक्रों के रहस्य पर चर्चा की। कार्यक्रम में भवन अध्यक्ष सरला सोमानी, सचिव मधु सारडा, उषा राठी, मंगला सारडा, कला झंवर, कला सारडा के साथ बड़ी संख्या में सदस्य उपस्थित थे। सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया महाराष्ट्र रीजन लेडीज विंग की सदस्यों द्वारा बुधवार 25 मई को शाम 9 बजे वसंतराव देशपांडे सभागृह में सिंधी फिल्म वेडिंग बेल्स 2 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रकाश वाधवानी, गीता वाधवानी, घनश्यामदास कुकरेजा तथा फिल्म की हीरोइन प्रियंका लालवानी के माता पिता द्वारा सिंधी समाज के इष्ट देव श्री झूलेलाल की प्रतिमा के दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। इसके पश्चात घनश्यामदास कुकरेजा अध्यक्ष भारतीय सिंधु सभा व डॉक्टर विंकी रूपवानी ने उदय संस्था के बारे में जानकारी दी कि यह संस्था IPS व IAS के विद्यार्थियों को निशुल्क प्रशिक्षण देती है। इस फिल्म के मुख्य कलाकार मोहित शिवानी, जो एक कॉमेडियन व एंकर भी है, उनके द्वारा कॉमेडी का आयोजन किया गया। नागपुर की कोकिला श्रीमती मंजू असुदानी, तेजवानी व शान द्वारा गाया गया गीत भी फिल्म में फिल्माया गया है। इस फिल्म के द्वारा समाज में प्रचलित दहेज प्रथा को रोकने का संदेश दिया गया। पूर्व नगर सेवक सुरेश जग्यासी, श्रीमती कंचन जग्यासी, दादा विजय, केवल रामानी, डॉक्टर ममतानी, मनोहर असुदानी, प्रकाश खत्री, अनिल खत्री, राज तेजवानी, श्रीमती मंजूश्री तेजवानी, श्रीमती रत्ना कुकरेजा, श्रीमती दीप्ति वासवानी, श्रीमती मोनिका मेथवानी व समाज के अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति उपस्थित थे। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।